हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे वापस से नए वीडियो में। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी आपको पता होगा मेरा तीन धाम कंप्लीट हो चुका है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और तो गंगोत्री। तो अभी हमें जाना है, यमुनोत्री बाकी है। तो अभी गंगोत्री से वापस आ रहा है, तो पूरा बारिश बारिश हो रहा था, अभी थोड़ा सा धूप भी निकल रहा है। तो चलो फिर यमुनोत्री चलते हैं। तो अभी हम जा रहे थे पैदल पैदल, एक लिफ्ट भी मिली थी, लेकिन हम जहाँ रुके दुकान पे, तो हमको एक साधु जी मिले जो कि पूरे भारत की परिक्रमा जो होती है ना, पूरे देश में बहुत सारी परिक्रमा चलती हैं, तो वो कर रहे हैं, उन पैदल कर रहे हैं पूरा। तो हम आपको मिलवाते हैं उनसे। तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो यही साधु जी हैं हमारे साथ। तो ये अभी पैदल पैदल कर रहे हैं, तो हम सोचे चलो हम भी इनके साथ चलते हैं थोड़ा। हम तो ज़्यादा बाइक से लिफ्ट विफ्ट लेते रहते हैं। तो बताइए अपने बारे में थोड़ा कुछ हमारे व्यूवर्स को। हमारा नाम है हरिराम काकड़े और अपना YouTube चैनल है यात्रा मार्ग नाम से। जैसे कि जो भारत की धार्मिक यात्राएं होती है, उसकी यात्रा करते हुए हम वीडियो बनाते हैं अपने याद के लिए और दूसरों को जो यात्रा करनी है उनको जानकारी प्रदान करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है सभी का। तो हमें ये रास्ते में मिले संताराम जी, इनसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी भारत का भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि अभी किसी के पास कोई साधन नहीं होता है लेकिन भारत की यात्रा करने की इच्छा होती है, तो इनके जैसे आप भी निकल सकते हो और भारत की यात्रा कर सकते हो। जहाँ तक रहने का और खाने का जो संबंध है, तो उन्होंने अपना टेंट साथ में रखा है और जिस गाड़ी को लिफ्ट मांगेंगे, अगर जिसने लिफ्ट दी तो लिफ्ट लेके चलने का है, जहाँ लिफ्ट नहीं मिली वहाँ पे पैदल चलने का है। ऐसे करके ये भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो इसका इनका जो हौसला है मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे लोगों का एक्सप्रेशन बढ़ता है। और हम भी पैदल यात्रा कर रहे हैं लेकिन हमारी जो धार्मिक भावना है, तो हम कभी लिफ्ट नहीं लेते हैं, हम बस पैदल करना है तो पैदल ही करना है और छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। जैसे कि अभी उत्तराखंड की जो चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो हम हरिद्वार तक ट्रेन से आए थे और ऋषिकेश से हमने त्रिवेणी संगम से ये यात्रा शुरू की है। हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री दो धाम हो चुके हैं और हम अब नीचे उतर कर केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ। तो आप इनके चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को भी आप एक बार देख लीजिए, यात्रा मार्ग नाम से है। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। तो देखा आपने कितना अच्छा बोल। वैसे तो हम रोड वाइज जाते हैं लेकिन अभी हम इनके साथ हैं जो कि पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छी अच्छी जगह ये एक्सप्लोर करते हैं। शॉर्ट जाते हैं ना तो बहुत रास्ते में चीज़ें देखने को मिलती है। देखो व्यू, देखो यहाँ से कितना अच्छा बढ़ रहा है, बिल्कुल सुनसान, एकदम शांत, बहुत ही अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ से अलग, वाहनों से अलग, यहाँ से अभी बता सेव का बागान है, तो सेव का बागान भी है आगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप चलिए आगे हमें। तो देखिए ये भी इनका पूरा सामान इसी बैग में है, इनके पास डी कैथलोन का कैंपिंग टेंट भी है, बहुत ही अच्छा। ये देखो ये रहे एप्पल के पेड़, ये पूरे एप्पल के पेड़ हैं लेकिन अभी एप्पल लगे नहीं हैं, कम थोड़े थोड़े से फूल आए हैं। इसका लगने का टाइम रहता है जुलाई अगस्त में। और आगे जा रहे हैं महात्मा जी, इन्होंने हमको बताया कि एप्पल के पेड़ है, ऐसे हमको भी क्या मालूम चलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा इनके साथ जा रहा है पैदल के पैदल, शॉर्ट मार्क से बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो सामने आपको पेड़ नजर आ रहा है, हाँ हाँ, इसमें देखिए कितना बाहर आया है। ओहो, अभी इसमें देखो कितने सारे फूल लगे हैं सामने वाले पेड़ में। ये है नीचे एप्पल का पेड़ जिसमें फूल लगे हैं, और ये सामने है, इसमें भी बहुत सारे फूल लगे हैं।
सोचो जब एप्पल लगेंगे तो बहुत सारे पेड़ एकदम से नीचे झुक जाते हैं। इन्होंने हमको बताया है क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ आते रहते हैं, तो फिर लोग जाते रहते तो पहचान लेते हैं जंगलों में, इनको पता रहता है। तो फाइनली अभी लिया था शॉर्ट रास्ता, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था वहाँ से। कम से कम 5 किलोमीटर का फेर पड़ गया होगा इतना शॉर्ट था। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं रोड पर, ये देखो और व्यू देखो। अब यहाँ से लेंगे हम लिफ्ट, ये पूरा शॉर्ट है ऊपर से। देखो ये बहुत ही प्यारा गांव बसा हुआ है पहाड़ों में, और इसका नाम है सुखी गांव ऐसा कुछ है। और ऊपर पूरा बादल छाए हुए हैं, अभी तो थोड़ा सा धूप भी निकल रहा है, नहीं तो भाई अभी तक तो बारिश ही हो रहा था पूरा। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, कैसे झरना बह रहा है बढ़िया। यहाँ से लिफ्ट लेना स्टार्ट करेंगे, देखो लिफ्ट मिलती है कि नहीं। तो फाइनली गंगोत्री से हम आ चुके हैं डायरेक्ट यमुनोत्री, और अभी हम हैं जानकी चट्टी। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है मंदिर पे, और आप यहाँ से डांडी या घोड़े खच्चर या हेलीपैड से भी आप ऊपर जा सकते हो। तो मैंने अपना सामान वहीं रख दिया है, पीछे बाड़कोड़ मिलता है यहाँ पे, वहाँ पर लाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वहाँ पर। तो अभी ट्रैक करके जाना पड़ता है, देखो 5 से 6 किलोमीटर, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर मिलते हैं। और आपको बता दें इस रूट पे गंगोत्री और यमुनोत्री रूट पे लिफ्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम यात्री जाते हैं और गाड़ियाँ भी सब वही जाती हैं बुकिंग वाली गाड़ियाँ। तो इसलिए अभी तो मुझे एक बस में लिफ्ट मिला था, अच्छा हुआ डायरेक्ट लिफ्ट मिल गया यहाँ जानकी चट्टी के लिए, तो इसलिए पहुँच गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ट्रैकिंग 5 से 6 किलोमीटर की। तो फाइनली ट्रैक करते करते काफ़ी ऊँचाई पर आ गए, और आपको बता दें रुकने और ठहरने की व्यवस्था नीचे ही जानकी चट्टी में होटल्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, जहाँ पे आप रुक सकते हैं और टेंट भी लगा सकते हैं, बहुत सारी जगह है। और ये रास्ता ना यमुनोत्री ट्रैक का बहुत पतला है, क्योंकि खच्चर घोड़े एक साथ जाते हैं, डांडे बहुत पतला है, काफ़ी थक भी रहा है। और हमारे साथ चल रहे हैं एक के भैया, जो कि रात को बता दें बड़कोट होटल में रुके थे एक साथ, हम लिफ्ट लेके आए देखे तो भैया गाड़ी से आए, यहाँ से साथ साथ ट्रैक कर रहा हूँ। और ये है दादी जी, हम दादी के साथ साथ चल रहे हैं पैदल, दादी का आशीर्वाद है हमारे साथ ऊपर चढ़ जाएंगे। देख रहे इतनी उम्र में दादी पैदल जा रही हैं, तो लोग जो होते हैं ना वो घोड़े खच्चर से जाते हैं, डांडी में बैठ बैठ के जाते हैं, दादी देखो पैदल जा रही। और साथ में चल रहे हमारे एक के भैया और टिकलू भैया, हम आपसे पहले आ गए थे लिफ्ट लेकर और आप लोग बाइक से आए, हम दोनों एक साथ मिल गए, फिर क्या फायदा आपका गाड़ी से? हमारा बाइक पंचर हो गया था, फिर पंप दिया, दो घंटे लग गया पंप करने में। तो अभी जा रहे ऊपर ट्रैक कर करके, तो भैया थक नहीं रहे भैया? रास्ता ना बहुत पतला है तो प्रॉब्लम हो रहा है ना चलने में एक साथ, देखते हैं फिर भी ट्रैक कर करके जा रहे हैं ऊपर चढ़ जाएंगे, मंदिर तक पहुंच ही जाएंगे। खैर जब चले हैं पैदल तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। और आपको बता दें मेरा चौथा धाम है, क्योंकि केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, अभी हमें यमुनोत्री में। सभी लोग यमुनोत्री से स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारा सबसे लास्ट में हो रहा है। चार धाम में आपका कौन कौन सा हो गया? पूरा चारों। तो देखो वहाँ पर दिख रही ना बर्फ, वहाँ तक जाना है, यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और बचा है। और आपको बता दें चारों धाम में से यहाँ का बहुत हैवी ट्रैक है, कम ट्रैक है लेकिन एकदम खड़ा ट्रैक है, एकदम बहुत कम सकरा रास्ता है ऐसे बोल सकते हैं आप। ये देखिए बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं, और बर्फ़ तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जितनी ऊँचाई पर जाओगे ना वहाँ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा आपको। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यमुना मैया का मंदिर, ये देखिए सामने है जस्ट।
वही है यमुना मैया। और आपको बता दें बहुत खतरनाक रास्ता है भाई, बहुत कम रास्ता है, पब्लिक इतना ज़्यादा है, एकदम फंस फंस रहा है, क्या बताएं। अभी दर्शन करते उसके बाद मिलेगा। फाइनली अभी दर्शन कर चुके हम, क्योंकि यहाँ पे भीड़ तो है लेकिन डायरेक्ट मंदिर के दर्शन कर सकते हैं क्योंकि लाइन नहीं लगाना पड़ता। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ये सुविधा देखने को मिला क्योंकि डायरेक्ट आप दर्शन कर सकते हो, और बाकी के पीछे बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, टाइम भी लगता है। तो अभी तो यहाँ पे बहुत आराम से दर्शन लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको बता दें हमारे चार धाम कम्प्लीट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। ट्रेन है यमुना नदी जो कि वहाँ से ऊपर से आ रही है बहती बहती। साथ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो हम सबसे मिलवाते हैं क्योंकि सभी की चार धाम कंप्लीट हो चुके हैं, वो कितने दिन लगे ये भी पूछते हैं। भैया है हमारे डीके रैंडम, दिल का जिगर, इसका दिल का जिगर है भाई, ये झारखंड से आया, इसके भी चार धाम यात्रा पूरी हो चुकी है। और इधर है हमारे दीपक भाई, चार धाम यात्रा पूरा हो गया भाई, सब्सक्राइब हमारा चैनल, चार धाम में ये हिमाचल से है भैया, इनके भी चार धाम कम्प्लीट है झारखंड से। ये हमारे टिकलू भैया बता दो आपको आसाम से आए हैं चार धाम की, वो भी यात्रा सफल हो चुकी है चार धाम। ये हमारे भैया दिल्ली से है, इनकी भी तीन धाम की यात्रा सफल हो चुकी है, चौथा बाकी वो ओके थैंक यू। तो सभी के चार धाम कंप्लीट हो चुके, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ भाई दिल में सुकून आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू करके ये हम तो भाई चार धाम की यात्रा करने में कितना दिन लगा आपको? 26 दिन में, पूरा एक महीना हो गया हमारी। और यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, आप पैसा वैसा ले चुके ले सकते हैं, लेकिन अब हमको यहाँ से जाना होगा नीचे वापस। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।